बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं मेरे बंगाली भाई। उम्मीद करता हूँ सबको मजे में होंगे, ठीक होंगे, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही फनी वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है देसी पागल खाना बंगला। फनी वीडियो है, जैन जमीन वालों की ये वीडियो है। तो इस वीडियो की काफी ज्यादा फरमाइश आ रही थी कि भाई इस पागल खाने पर लाजमी रिएक्शन दें तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो बिना किसी देर किए करते हैं आज की वीडियो शुरू। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आए देखते हैं आज का पागल खाना। तू क्या भी आया तो क्या खाना होता है? डॉक्टर है, डॉक्टर केला तो छील ले, पता अंदर केला की। वीडियो का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में सारे खाने की लेखा। हमी पागल। हाय रे, अपनी ओ पागल। सार, एक ये से सार बकारे उतने बीते बेशी पागल ही होता से। मैंगो फ्लेवर का टीका लगने लगा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पागल हो गए। अरे पगली यदि गए रुई रखा। শোন, বিকেলে নাস্তা দিতেছি, সুন্দর করলে ভিতরে ঢুকে যাবি, একটু পাগলামি করবি না। শোনো, আমার গারদে থাকা তিন বুদ্ধিমান পাগল, তোমাদের কাছে একটি ছোট্ট প্রশ্ন করব। যে সঠিক অ্যান্সার দিতে পারবে তাকে দিব পাগলির সাথে বিয়ে। প্রশ্নটি হলো, ছোট বাচ্চারা জন্মের পূর্বে কোথায় থাকে? কে রে স্যার, বিড়ির ফেয়ারো? লেজি
এই কে আসো তো তোকে ধরতে হবে বাবু তোমার ক্ষুধা লাগছে হ্যাঁ কিছু খাবা বাবু স্যার আমার বাবুটাকে না টিকা দিয়ে দেন মানে স্যার ছোট থাকতে টিকা দিয়ে দেন দেন বড় হলে টিকটক না করতে পারবে সব কিছু ঠিকই আছে এই পাগল পাগলি এত কলস কেন টেক খাবার জন্য প্রীতি না করতে পারে এই ভিতরে পাগলা এটা পাগলি কোথায় আসলে তো পাগলি হয়ে গেছে নাম কি এমপি এমপি মানে মদন পাগলা তোমার পিতার নাম ওইটা এমপি এমপি মানে কি মুকলেস পাতোরি মাতার নাম এমপি এটা এমপি মোহনা পাখি কি হয়েছে তোমার এমপি এমপির মানে কি মাথায় প্রবলেম আমার নাম দশটা টাকা আনাইছি অন্ধকারে তো অন্ধকারে তো দশ টাকা আছে উনি না কইছে এনে খুঁজছিস এ ওই জায়গা অন্ধকার কিছু দেয়া যায় না এলে গেলে খুঁজতেছি এই ছেলে এদিকে আসো তোমার চেহারা সুযোগ তো ভালো তুমি পাগল হইলে কেমন তা এটা যদি জানতাম দেখে এমন তাই তো বাইরে থাকতাম শোন তবে তিন পাগলের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি আলছা তার আজকে মুরগির রান খাওয়াম কে বেশি আলছা হাত তোল কি রে তুই হাত তুলস নাই কে স্যার মোর হাত তুলতে এক সেরাই ছাই লাগি আছে এ তুই ফার্স্ট তুই রিয়েল আলছা পাগলি থেকে ড্যান্স মানে এ এখন তুই কান্না করতে আসে মনে প্রেম ঠেম করে এসে একাইছে তাকে তো সান্ত্বনা দেওয়া দরকার না আমি ভিতরে যাই না না স্যার যাই না স্যার নাকি পাগলি অনেক ডেঞ্জার আছে ডাক্তার তুমি না মুই হ্যাঁ খোলো আপনার মনে খুব কষ্ট তাই না ভাই এই যে ঘুমের তো সকলেই উঠছে কথা হইতেছে কিন্তু তামিম না
গুনতে উঠেও না কথাও কয় না। হ্যাঁ কি করছে গুলা, চল তো দেখি। স্যার 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 কি হয়েছে স্যার? তামিম তো আর বেঁচে নেই। কি फनी वीडियो देसी पागल खाना। ओहो यार इन्होंने कमाल कर दिए यार, हंस हंस के हमारा तो बुरा हाल हो गया था यार। वो देखा आप लोगों के वीडियो में, वो प्लेस भी सेम उसी तरह की चूज करते हैं यार। और उन्होंने एक्टिंग, और जो यार मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है जो एंड में वो फोत हो गया, मर गया, सबसे अच्छी मुझे एक्टिंग भी उसकी लग रही थी। तो आप इनसे पूछते हैं इनको वीडियो कैसी लगी। जी वाकई वीडियो बहुत फनी थी, अब तक की हमने जितनी भी वीडियो देखी है ना सबसे फनी यही वीडियो थी। इस वीडियो में बहुत ज्यादा हंसी आई है, और लास्ट में जो सीन हुआ यार उस पे दुख हुआ थोड़ा सा। इस वजह से बताते हैं ना कि ज्यादा पागल बंदा जिसका दिमाग ज्यादा हाइपर हो जाता है या ज्यादा गुस्सा करने की वजह से दिमाग, इस तरह दिमाग की वेने जो होती है वो फट जाती है, इसलिए वजह से ज्यादा ना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए यार। जी इकरा से पूछते हैं, इकरा को कैसी लगी? जी डॉक्टर साहब, हाँ जी हमें पता नहीं था। जी वाकई गाइस वीडियो बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो पागल होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर्ड ये जो पर्सन होते हैं, किसी न किसी वजह से होते हैं। कोई ज़्यादा मतलब कि आप अगर कुछ ज़्यादा सोचते हैं तब भी आप इस तरह मेंटली रिटार्ड हो सकते हैं, या कोई टेंशन ले ले, या किसी किस्म का कोई फोर्स करे, कोई कुछ भी। तो मतलब ये बहुत, एक तो इसमें ये बात थी कि फ़न था, लेकिन फन के साथ साथ एक लेसन भी था कि जो पागल होते हैं उनकी भी अपनी लाइफ होती है। और जैसे वो बताया कि वो इकट्ठे थे, उनके वजह से सारे हंस रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे वो बताते हैं कि वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो भी रो रहे थे। इट्स मीन कि उनको इतनी समझ थी, उनको भी फील, लेकिन ये है कि उनमें सेंस जो सोचने समझने की होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो वाकई आज तक हमने जितने भी जैनजमीन वालों की वीडियो देखी है उनमें से ये बेस्ट वीडियो थी। बहुत ही अच्छी उन्होंने मतलब इसमें वो किया, एक्टिंग की है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। तो गाइज हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।